काम जो देग पहले उस वादा करके नहीं जाना खेला इतने काम कहेंगे साढ़े नौजवान बच्चे ने असि बेसारा लोग है साढ़े बच्चे निके निके भुखे फिर त्राहे फिर इतने कोई सिलाई सेंटर नहीं अस इन घर कमर लाओ अस भी जाने तैयार है शिव टाइम के सारे दर्शकें मेरा राम राम मैं डिंपल वर्मा बिलावर पंचायत भड्डू बिच खड़ोता वार्ड नंबर एक दे बिच लोकें दी केह समस्या लोगों को दिखचै और इन्हें पूछचै कि क्या पोलिटिकल लीडर है इन्हें लोगों की कोई समस्या सुनने अज तक आए या नहीं आए हैं क्या नाम है अच्छा केह परेशानी होती भला इतने लोग परेशानी इतने महाराज कोई अज तक कोई फैसिलिटी नहीं थी अगर हेलो यानी कि साढ़ा इतना पानी पानी इन परेशानी घटे दा पानी आंदा नहीं गल नहीं बात बाकी पानी आंदा उपर दा वो सारा पानी थले जांदा लोगों के घर कोई अज दिखने आस्ता नहीं नरेश ते तुसे कोई पीएचडी डिपार्टमेंट दे बंदे कन्नै गलबात कीती बड़ियां कीतियां गलबात कोई उन्हें नहीं गल मन गई 500 रुपए दी गल पाइपां लग लगदियां ने पानी हुन आना आना ही आना है मर पाइपां लगदियां पानी पता नहीं कदों आउणा कोई पता नहीं ठीक अच्छा मारे और कोई परेशानी इत्थे के दस्या ए पानी ज्यादा समस्या और पानी जी और जी बरखा का बरदी वो पानी जांदा इत्थे जबरदस्त नाली शाली नहीं बनदी है तुसी मैं शरीर दे देंगे पैसे कुछ नहीं मंगला कुछ साढ़े भी आया समस्या चलो ठीक है अच्छा मेरे कन्नै और भी इस वेले मातृ शक्ति मौजूद न अम्मा केह नाम भला मेरा नाम गुड्डी देवी अच्छा भला केह परेशानी आवा दी इत्थे भला परेशानी महाराज इतनी ही असें कि असें पानी दी ज्यादा मुसीबत है कि 8-10 दिन दे बाद असें पानी थोंदा नहीं 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 साडा कोई टैंकियां नहीं जां कोई अंडरग्राउंड नहीं बना दियां बाहर कोई साडा सिंटैक्स नहीं उगा 4 भांडे भरने असें पानी थोंदा 8-10 दिन दे बाद पानी आउंदा जे असीं कुतै गल करने अग्गे पिछे गलांदे क्यों असीं पानी छड्डने पुछो जी 10 आदमी पुछो उंदी सारे दी इक गल है महाराज असीं म्हल्ले दे झूठे पई ने इस गल्ला करियै कि इत्थे 8-10-15-20 जनानियां जिन्नियां भैन ना असें कोई कारोबार ना कोई मतलब साढ़ा कोई कम्म ते है नहीं है अगर असीं कुतै कम्मे ही लान दा असीं नरेगा होर नहीं कीता नरेगा दा कम्म तां करी सकदे साढ़े आस्तै कोई कुछ नहीं अगर साढ़ा कोई बंदा मरी जा जां के तां असें कि तां भी कोई मतलब पिंडे पद्धर दा कोई नहीं लभदा ते इ'यां है कि ना साढ़े शैड ना असें गी कोई बाथरूम ना कोई मतलब फ्लैश एह् बोरुंग दे बना दे न असें ते उप्पर उधर टीनार जेह्ड़े भज्जे दे पक्खे न उ'नें बी गलांदे न सौ इत्थुआं निकली जाओ महाराज चली जाह्गे भाई अग्गें साढ़ी असें गांदे थोड़ी ना कोई जगह ना कोई जमीन असें जाना साढ़े मां प्यो ने इत्थै कम से कम 70-80 साल उम्र गुजारी अपनी 90 साल चली गे लेकिन इस वेलै असीं भी 60-61 साल की पुज्जी चुके हैं साढ़े आस्तै मुसीबत है कि असीं जाह्गे कुछ साढ़े ना अग्गें जगह ना कोई पिछले जगह ना कोई साढ़ा अग्गें ना कोई पिछले लगी नहीं हमें क्या असें कोई पेंशन नहीं कुसै भी लगनी है ठीक है साढ़े म्हल्ले भी मातमदारी होई सकी लेकिन वोटा आई गड्डी जिसलै आंदी तां हो सकदा राती 11 बजे भी आई सकती राती 12 बजे भी आई सकती दिनें 10 बजे भी आई सकते शामी 8 बजे भी आई सकते तां गलांदे हो कि साढ़ा फलाना मतलब के निशान है जां केह् होआ तुसीं याद रखियो ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਲਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਗਾ ਅਸੀਂ ਗਲਾਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਗਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅਪ ਟੂ ਡੈਂਟ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗਲਾਉਣਾ ਕਿਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੇਰ ਕਰੂੜਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜੋਗਲੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਛੰਦੇ ਕਰੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਛੁਨੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾਈ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨ ਹਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਕੁਸੇ ਦਾ ਕੁਤਾ ਹੈ ਠਿਕਾਣਾ ਲਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਕੁਹਾਂ ਜਾਣਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੁਸੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਰੇ ਘਰ ਕਮਰ ਲਾਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲੂਣੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗਲਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੁਤੇ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਤਲਾਅ ਭਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੌਕਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਇਲਾਕਾ ਆਏ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 2-4 ਟੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ੇ ਸਰਾਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਅਗਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਬੋਰਡ ਮੰਗਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪੰਚ ਹੋਇਆ ਸਰਪੰਚ ਹੋਇਆ ਜੀਡੀਸੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਲਾਂਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ
जनाब दरवाजा को आगू ला जल बनी दिन का गेट भी बंद हों चार किलो का चंद्र होंगे गेटा लगता दरवाजा कौन देखे साढ़े तो मुसीबत है साढ़े बच्चे भर आते इन इन्ने बच्चे नहीं जो स्कूल कियां जाना ने आते कियां जाना ने अगर दिन आखते थोड़ी मम्मा कुछ ने पानी होग तो मम्मा ने केह करना दसो अस निरमे ने नहाई सकने दस रुपये का निरमे अस फिर गल मैं उही मोड़िए लिया कि मम्मा ने केह करना अगर पानी होग तो बच्चे नहाई सकते पानी नहीं अस कुछ जाना साढ़े मुसीबत हो गई तो जो गलाया कुछ के पैर शुरू नहीं की तो गलाते इतना उदा का पानी है ना वह भी वैल्डिंग की बंद किया क्या कि मिकी मनोहर लाल होर नलका दवा दा साढ़े पुराने सरपंच न नरेंद्र शर्मा होर ये इतना त्रैड़ चो भड्डू दे उन्हें नलका मिकी दवा दा वह भी नलका ने बंद कराया वैल्डिंग की उन्हें पी एच ए कि यह पैप पाई कि तुम्हें वो नलका बंद होना चाहिए महाराज जितने चार पांच नलके होर भी हैं वो बंद नहीं हो तो मेरा नलका बंद हो गया उतों के पूरे इतनी जितने खड़ोते थे मेरे से इन्हें धर्म देखिए पुछो कि उस नलका का तुम्हें पानी पीता कभी नहीं पीता एक मैं नलका लोहा था मंगिया लेकिन सारा पानी पीता इन्हें बाद चो नलका बंद किया जिन्हें लोगों की मुसीबत पी उस नलका बंद होने के कारण जनाब मैं कड़ा जुल मैं कीता किन्ने घर इतने दस तुम इतने अस सत्त अठ दस टोल होने दस टोल कम से कम चाली पंजा बंदे जी जी ज्यादा होंगे सौ 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 उपर होगा सौ हाँ जी 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 इंसान सारा होंगे चलो सौ पंजा रुपया पेंशन लवाई दो बड़ा सारा सारा कोई है ही नहीं है घड़ियां गलांदे थोड़ा सा कोपन लियाओ इत्थें फलानी चीज़ लियाओ वो भी दैरने जनाब कि जी नहीं है असं चौकीदारा करने दिने अपना साढ़े प्यो दियां गरदौरियां लगदियां ना ये चुल्ली दे चलाने चौकीदारे असें दिते ने इन्हें जमीने दे अज असी घर तो बाहर कियां होइए साढ़ा कुछ नहीं है इत्थे अज वह दस नहीं कि साढ़े प्यो दियां गरदौरियां साढ़े बब्बे दादी दियां गरदौरियां लगदियां क्यों तोड़ियां अज कियां निकलियां जगह सरकार अज कि असें दस नहीं रस्ते पास जाना कुदा सके देखो मेरे घर की हालत देखो जी मेरी टीन है फटनी मैं फटनिया खिंदा उधर सुट दी इतनी वीडियो बनना चाहिए कि मैं फटरिया खिंदा सुटिया गुदर लीर सुटिए मैं टाइम पास लगा करना जरा मौका होना चाहिए उस जगह मेरे क्या मेरे आई नहीं कुछ भी चार पक्खे टीना दे उन्हें मैं नहीं हाँ पक्का पाई सकती साढ़े कुछ नहीं साढ़े गरीबों से है ही कुछ नहीं है इतने गलांदे पे मुलाजमी इलाका इतने गरीब कोई है नहीं जरा असी किड्डी मुलाजमी साढ़े जो डी एस पी लगते मेरे पुत्र जब मैं कोई डी एस पी की जनानी है जी मैं इतने थोड़े भिख मंगा नहीं झोलिया पा दी असें खाली एक किलो आटे आस्ते दे झोली पाइए मंगी आखिर ने कि असं एक किलो किलो का होना चाहिए कहेंगे साढ़े नौजवान बच्चे ने असं बेसारा लोग हैं साढ़े बच्चे निके निके भुखे फिरदे त्राहदे फिरदे क्या इन्हें बच्चे स्कूल जगह नहीं है इन्हें कियां जाना बिना नौते असें कुद अगर रड़ाना साढ़े नलके वैल्डिंग कराउड़ियां ने कहें कि घर का महकमा होंगे पी एच ए असें कुछ जाना उन्दे सारे घरें घरें पानी है क्या साढ़े पानी नहीं है ये बच्चे ने क्या रोंद ने कियां तड़फते ने कियां जाना मैं मास्टर गांदे बच्चे जे गंदे बच्चे हैं इनके साथ हाथ मत लगाओ कियां लाना अंदर हाथ मैल है अंदर मुस्क है अंदर इंदा चली जी मुश्क ये बच्चे बड़े लोगों का बराबर बनी सकते हैं लेकिन पानी थो असें असं दस रुपये का निरमा लाई सकते साबन नहीं लगे तो निरमा लाई सकते नहीं पर लाचै कुआं लाचै कहते हैं इतना जो पानी देता गंदा ये सुटना होंगे दस दिन के बाद गिनो टाइम दसने असं दिन बार दसने अस दस दिन के बाद पानी थोड़ा फिर गलांदे गलांदे पानी दिता नलके नहीं चढ़ना असें नलके नहीं आना जल्द पूरा पूरा कोई घर ऐसा नहीं जिते मोटर नहीं लगती है जिरा पानी आना उत्थे घर घर मोटर लगदी ना मोटर लानी है पानी अपनी मोटर झल लेना असें गलाया साढ़े ने लड़ाइया पे जाना उन्हें तुम भी लाओ तुम भी खरीदो असं किलो आटा नहीं खरीदी सकते असं मोटर खरीदी सकने गरीब लोग हैं इतने अस खरीदी सकने मोटर लाई सकने तो मोटर एक बनानी खेदिया नहीं चलो असं सारे म्हल्ले के किट्ठे होने एक मोटर लेने पर लाने कुछ असें भुइया खुड़ी दबनी है पानी नहीं थोक तो मोटर के लगे तो लानी दो बाल्टियां कुछ एक बाल्टी कुछ डेढ़ बाल्टी पानी बंद गलांदे असं दो दो घंटे सप्लाई दिने जनाब दिंदे कुछ नो सप्लाई जिंदी कुछ ही साढ़े इतने असें कुतै अंडरग्राउंड कोई खूह गै थले बना जितने असं उदेश दिने कुतै गुप्त नहाने साढ़े जुल्म नहीं है कुछ जाना असें कम रोजगार साढ़े कोई नहीं है तो भाई साढ़े लोगों ने छो है तो साढ़े कौमी मसला कि असं माशे से रह रहे सीधी गल है उदे बंद ही गल करनी कुछ कोई होग बेचारा जरा असं नगर च गला के साढ़े तुम मतलब कि पोचा लाई जाओ रसोई उत्थे भी नहीं जान होंगे दरवाजा खुला जिले खुला दरवाजा जिले बने
जिले बनिए तो जिले तो उसे केह करना कि दरवाजा खुला कुछ उत्तर गेटे को चार किलो चंद्र अंदर लगा अस बेचारे भारत फंडोई फंडाई उठे होंगे असं लभदा तमाशे हो गए अस सरारे हो गए फिर इं नहीं जिले वोट लेने आना तो मैं उनकी भैन भी है मैं उनकी धी भी है मैं उनकी मां भी है सब कुछ बनी जाना मेरे उन्हें मां जी आप बहार आओ पहले तुम गल कर दी तुम लेकिन उन्दे फोटो लाने असें महाराज इसी धूप पाना असें भगवान साढ़े पा आया शायद असें किसी दे जिसल आया जिसल बनी जाओ तो नुहाड़े नहरे लगते चलने तो असें तुहाड़े दरवाजे जिसल दसने असें साढ़े दरवाजे खुले तो वो गेट भी बंद होता भरद उन्हें कुत्ते ने फिर असें असें पुछता कोई कुछ कुछ बच्चा क्या साढ़े इसी छिड़का ही लाओ असें कुत्ते नरेगा का कम है लगता उत्थे तो लाओ असी रोटी खानी इसलिए दस बंदे घर जाओगे दस कमागे तो बच्चे पूरी पौंदी है असें कियां दसो मिकी तुसें असें कियां पूरी पानी असें कियां रुट्टी खानी कुछ खागे हूं साढ़ा कोई गल नहीं थोड़ी गल जरूर अस जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन तक जरूर पुजाने ठीक है पता नहीं क्या कुछ बनाया साढ़े पास रहना कि माहौल बना दा मीडिया वाला सद दा जनाब बच्चा असें पता नहीं इस गल्ला दा कि असीं जानदे नहीं इस गल्ला दा ना सुनदे कहंदे वे मीडिया खबरां सद्दे लेकिन असें पता मीडिया आले सुनिए आपूं आंदे असीं नहीं सद्दे साढ़ी हिम्मत नहीं असीं गरीब आदमी असीं मंगी जां रुट्टी खाने असीं मीडिया आले नहीं सद्दे सकदे ठीक है पर इन्ना है कि असं इन्ना करी सकने कि आई आ कोई तो नुहाड़े पैरें पी जाना कि बच्चा साढ़ी गल भी कुदै परमेश्वर साढ़े पा दे परमात्मा अपनी मर्जी करने आया पर यह साढ़े गल बननी है थोड़ी समस्या हाईलाइट साढ़े गल आवाज बननी है कि उन्हें जी मीडिया वाला बुला दा जी सरारे माशे उत्थे किट्ठे होदे उन्हें साढ़े पता नहीं केह कीता पर असें जी अपने बच्चे की कसम है जां कि गौ माता की कसम है असें इस गल का पता ही नहीं है कि मीडिया वाले कुछ वेले आए जां केह कीता पुछया असीं किट्ठे होए असीं तैयार एक कोई जत नहीं आए बुलाया बच्चे असीं आई इतनी है कि हाँ जी साड़ी समस्या वो असें रड़ाना क्योंकि साढ़े दिले की भावना मेरे घर का चार मुड़ते गए मिकी कोई वोटा ला जो वोट मंगन मेरे घर आंदे हे मेरे घर इं नहीं आए दस मिनट खड़ोने मेरा नौजवान पुत्र मरी गया मेरे घर मेरी माँ मरी गई मेरा बब मरी गया मेरी पोती मरी लेकिन एक साल से चार मुड़ते गए मेरे घर कोई नहीं आए दस मिनट नहीं आए खड़ोते क्या मेरे दिल चग नहीं पौंदी कि घर है भड्डू चाहे चाहे इन्ना कला के फिंतरा डड़वाड़ा कोई भी है हूँ घर होगा सुच्चे का पिट्ट हिंदू का मुसलमान जिस घर मैं जिंदी नहीं भाई मैं उनका घर झाड़ू पोचा करते होंगे पर मुझे पता लगे होगा फलाना घर मात बदारी होती है बच्चे मैं उनका घर जिन्नी अज मेरे घर क्या डंगर हे मरे मेरे घर करोना हाई दा क्या करोना वाला बंदा मरदा उसी भी लफाफे पाइए दुनिया फुकदी है तोड़ा लिखा कई बच्चे न मां दे हिंदुस्तान च जेड़े उनेंगी दफन करते ना के फुकते ना क्या मेरे घर करोना हाई दा मेरे घर वोट लेने करोना नहीं है मेरे घर वोट लेने आना जिला उसलै मुश्क नहीं है उसलै गंदगी नहीं है फिर कहते हैं मूह दबू जी घर बड़ी भारी गंदगी है इन्हें बड़े गंदे ने इंदा नहीं छोड़ना हूँ अगे हस्ते दिखी नहीं गया भी भेजा उड़े हथ ने कहें साड़ा है ही कुछ नहीं असें रस्ता दस गया जाना घड़े लागे अम्मा हूँ इक्के गल करनी तुमने लास्ट ईयर में जी हूँ फिर इलेक्शन आने वाली नहीं एम एल ए दियाँ क्या वोट पाने हूँ अगे दिखी गया हाँ दिखी गया हूँ असें भी यह करना कि आओ तुम थोड़े आस्ते साड़ा दरवाजा खुला जल्द असें उत्थे जाना साड़ी मर्जी अस बिकते खोड़े अस बिकने नहीं अस साड़ा म्हला कोई शराब नहीं होंदा हा लेंदा कोई रुपये नहीं लेंदे असी कोई खाने वो नहीं है अस खाने के भुखे साढ़े रुट्टी खाते साढ़े मुहल्ले के मुड़े जाके कुछ भी करते हो गए तो अपनी चार पांच फोटुओं की मेहनत कमाते तो खाते ठीक है हूँ सोची समझिए वोट देने असें हूँ हूँ असें भी दरवाजा खुला रखना अग्ना आओ कोई गल नहीं महाराज देई आओ आओ चलो कुर्सियां लेने साढ़े बिना तो देगे बोने बा सोची समझिए देने अगे दिखी गया हूँ कैं कि हूँ असाने जैसी हो असें लोगों की पैरें लगदियाँ ठोकर असें सिरें लगी हूँ असें कम जरा देग पहले उसी वादा करिए नहीं जाना खेला इतने कम इतने करा कम साढ़े इं खोल किसी तरह कम जरा भी है साढ़े असें ला जनानी बंदे जनानी जितने मैं ला कमें तो बाद च दिने कोई बोर्ड आता पूरे म्हल्ले बोर्ड पाता असें कुछ नहीं देना सीधी गल शुक्रिया अच्छा केह परेशानी होती कोला कदूं दी एक साल चलो जगह भड्डू वार्ड नंबर किन्ना एक तोड़ा केह नाम भला रंजू चलो कोई गल नहीं तोड़ी गल जरूर अस इतों की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जरूर पुजाने वीडियो के माध्यम कन्नै तुसें सारे दिखिया और दिखना भी है कि 75 साल कोला भी ज्यादा साढ़े देश की आजाद होता है और कोई भी स्कीम निकलती है ना तो वह स्कीम निकलती है गरीब लोगों जेडे BPL च या APL च बिलोंग करते हैं लेकिन अगर उगे स्कीम अगर इन्हें गरीब लोगों तक अगर नहीं पुजन ना तो कुदै ना कुदै जरूर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जरूर सोचना चाहिए।
तीन तीन पीढ़ियां खत्म हो गई ते अज तक लोग पानी नहीं होग ते जेड़ा डिपार्टमेंट इन्हें लोग पानी पिलांदा ते उगे डिपार्टमेंट के बंदे अगर इन्नी गल इन्हें बोलन के तुस माशे न ते तुसें पानी पीने का भी कोई अधिकार नहीं है तो कम से कम पीएचई डिपार्टमेंट ने भी जरूर सोचना चाहिए क्योंकि देश दे विच जिस वेले वोट पाने की बारी आती ना तो जिस वेले देश की आजाद होना है ना तो उस वेले ये जेकी कम्युनिटी के लोग ना इन्हें भी कंधे कन्ने कंधा मिलाइए साथ दिता सारे लोग का ता सारे लोगों की आजादी मिली ही और इन्हें लोगों ये बड़े बड़े दूरी की गल नहीं है बिलावर की गल है भड्डू एरिया वार्ड नंबर एक जिथे ग्रैजुएशन या मोस्ट इंटैलीजेंट बंदे जेके ना बच्चे छोटे छोटे बच्चे हर घर के न लेकिन इस म्हल्ले कुछ भी पच्ची फैमलियां ऐसा जो एस सी और एस टी फैमलियां जिन्हें अज तक वो पानी भी नहीं है और जिंदे घर पानी है ना उनकी बदौलत इन्हें लोगों पानी भी नहीं थोड़ा है अगर ये लोग इतों के सरपंच गल करते हैं जो वार्ड मैंबर कल करते हैं तो फिर सरपंच का के अगुआ बयान आता इन्हें लोगों की मूँह जबानी तुम्हें सुनी लिता एक घर के अगर चार चार व्यक्ति की अगर डैथ हो जाती है तो उन्हें घरें अगर आवास प्लस या पी एम ए वाई दकीम निकल दी अगर उनका बेनीफिट इन्हें लोगों अगर नहीं थोड़ा दे तो फिर वो स्कीम कढ़ने का बेनीफिट की है लाडली बेटी की स्कीम सारे गरीब लोगों से अगर उन्हें लाडली बेटी की स्कीम का अगर इन्हें बच्ची अगर बेनीफिट नहीं मिले तो फिर वो लाडली बेटी की स्कीम का बेनीफिट की है मैं जनता का रिक्वेस्ट करना कि अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे देनी क्योंकि दो बारी एम ओ एस मिनिस्टर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी एक बारी जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह जी डी डी सी बी डी सी सरपंच और पंच पूरा चेन बनती है हर टाइम के बाद हर छः साल के बाद एक इलैक्शन होती है और इलैक्शन होने के बाद जिस वेले ये लोग उन्हें कैंडीडेट की वोट पाते नहीं तो वो कैंडीडेट जिस वेले इन्हें लोगों का पदाधारी लेने नहीं आते जिस वेले वोट लेने होने इन्हें लीडर है तो इन लोगों का कहना कि साड़ी अम्मा साड़ी भैन जिस वेले वोट होते फिर आखते चार किलो यंदरा इन्हें लीडर के घर गेटे उपर लगता इन्हें लोगों की नो एंट्री होती है इन्हें लोगों का यह कहना है मैं जनता का रिक्वेस्ट करना कि अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे दें तो बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद।